तेरी सूरत च दिसदा है रब वे और कुछ नहीं हो। ऐसा मैं भी गा सकता था, ऐसा मैं भी बजा सकता था। मुझे बड़ा शौक था गिटार बजाने का। एक मिनट भाई देना, वो जब मैं सीखने गया ना गिटार, तो मास्टर जी ने बोला, मैंने बोला मेरे को आता है, कहते बजा के दिखाओ कैसा। मैंने ऐसे क्या आई डिड दिस। उसके बाद मेरी आंख दो दिन बाद खुली थी जाके। एनीवेज, होल्ड योर गिटार, दिस इज रेड इट इज डेब्यू राइट। और ये कैसा शो है जो अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट को मौका देता है राइट। अगर आप भी गाते हैं, बजाते हैं, आपके पास अपनी कॉम्पोजिशन है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, तो आप रेड एफएम इंडिया ऐप पर जाइए, वहां पे आपको सेक्शन मिलेगा रेड इट इज डेब्यू, वहां अपने काम को शोकेस करिए एंड रेड एफएम की टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, जैसे हमने आज कॉन्टैक्ट किया यहाँ पर युवराज को। युवराज अक्का लिटिल बॉय, अब कर लो भाई। So little boy, he's little boy, Yuvraj. अभी अभी हम continue करेंगे उसी गाने के साथ. So what was that song you were playing? Dil Mera. Dil Mera. Yeah. So it's by me and my brother Abhishek Bakshi. Okay. We made the song together. हमने कट्ठे ने compose किया था ये गाना. काफी साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है. 8-9 साल पहले compose किया. हाँ जी. Okay. और अब एकदम से कैसे, मतलब? मतलब तब हमारा काफी इंटरेस्ट म्यूजिक लाइन में बहुत पहले से ही था, तो हमने सोचा कि धीरे धीरे अपना कंटेंट यूट्यूब पे हमें आउट करना चाहिए, तो यूट्यूब पे गए और फिर 8-9 साल में ध्यान कहीं और चला गया, अरे और भी अच्छी साइट्स हैं। तब तक मतलब हम कंटेंट लिखते जा रहे थे, कुछ ना कुछ बढ़िया तैयार करते जा रहे थे कि एक ना एक दिन ये यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे अपलोड करना वीडियोस। ओके, सो दिल मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग था जो हमने बनाया। ओके, और उसके बाद काफी गाने बनते गए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक का। 8-10 साल हो गए ऑलरेडी इस चीज को स्टार्ट करे हुए, तो लोगों ने जितने भी गाने हमने पोस्ट किए सबको बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी अभी स्टिल वी आर लर्निंग एंड अच्छी अच्छी चीजें बनाते जा रहे हैं फ्यूचर में। सो रेड इंडीज डेब्यू में सबसे पहले दिल मेरा राइट। यप, ओके। तेरी सूरत चो दिसदा है रब वे मैनू और कुछ नहीं हो चाहिदा, कदे हो भी ना तू अखियां तो दूर वे मेरा प्यार बस तेरा ये नशा, मैं मर जावा जे मैं होवा ते तो दूर वे तेनू मनदा मैं अपना खुदा। हो दिल मेरा बस यही गल कहंदा रहंदा है, अखियां चुकोण मेरे बंदा रहंदा है, ओ तेरा लिखिया है साहा उत्ते ना, तेनू यारा जान तो भी वद मैं प्यार करा। क्या बात है, दिल मेरा। सो 809 साल पहले कंपोज किया, 8-9 साल पहले कंपोज किया था ये गाना एंड बहुत स्पेशल सॉन्ग था क्योंकि लाइफ की शुरुआत इस गाने से की थी एंड एक टाइम पे एक लड़की पर क्रश था काफी ज्यादा, तो गाने लिखने की आदत वहां से पड़ी। क्या वो क्रश तुम्हें क्रश करके गया? हाँ, एक तरह से कह लो कि क्रश करके चला गया। क्रश करके चला गया। We are still friends, kind of. तो बातचीत ज्यादा होती नहीं है, बट बहुत अच्छा लगा दिल को गाना बना के। और एक दिन ये उम्मीद के साथ चले थे कि हाँ कभी गाना उसको भी सुनाने का मौका मिलेगा, जो अब तक तो चलो पॉसिबल नहीं हो सका, बट इन फ्यूचर होगा। ग्रेट, क्या बात है। सो अभी मेरे को जाना, युवराज अक्का लिटिल बॉय, सो व्हाई लिटिल बॉय? इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? और लिटिल बॉय क्यों नाम कह सके? कुछ उतनी खास कहानी तो नहीं कहूंगा, मेरा एक्चुअली घर पे नेम लिटिल था, सारे फैमिली वाले मुझे लिटिल के नाम से बुलाते थे। लिटिल, सो मैंने पहले अपना जब करियर स्टार्ट किया था तो मेरा नाम नॉटी यूवी, शेडी यूवी, अलग अलग नाम मैंने ट्राई किया, मैं रैप करता था, रैप लिखता था स्टार्टिंग में, वहां से रैप भी करते हो? हाँ, रैप करता था। ओके, तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मुझे अब एक नाम पक्का कर लेना चाहिए, तो उस वजह से मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो लिटिल बॉय थोड़ा कूल लगता है, लिट लगता है थोड़ा नाम, तो मैंने कहा कि चलो लिटिल बॉय के साथ चलते हैं। काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये नाम क्यों, मैंने कहा कि आई फील सो कनेक्टेड विद दिस नेम, ये अच्छा लगता है, घर का निक नेम भी है एंड सारे लिटिल बॉय कहेंगे तो ट्रेंडी एंड कूल लगता है। सो घर में वो कौन था जिसने पहले लिटिल बोला? आई मीन डैड, मॉम, डैड, मेरी बुआ जी, पापा को भी। हाँ, पापा लोगों को वैसे भी लिटिल लिटिल बड़ा पसंद होता है। सो और मैं आज भी उन सबके लिए लिटिल ही हूँ और फ्यूचर में भी लिटिल ही रहूंगा। सो युवराज लिटिल बॉय, युवराज इज द ओनली नेम? युवराज सिकंदर दत्त, युवराज सिकंदर दत्त जी हाँ, तीन जने
कभी ट्रिपलिंग पे चलान काटा है, तीन तीन जने जा रहे हैं? ऐसा हुआ तो नहीं, बट मैं डरता हूँ कभी हो ना जाए। सो युवराज सिकंदर दत्त का लिटिल बॉय, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा ही नाम ऐसे है, घर में और लोगों का भी कुछ ऐसा डिफरेंट? मेरे डैड का नाम सुनील दत्त है। सुनील दत्त? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि शायद मेरा नाम संजय दत्त रख दिया जाए, बट उन्होंने युवराज सिकंदर दत्त रखा। पूरी फैमिली फिल्म भी है यार। ओके, बहुत प्यार है अपने इस नाम से, क्योंकि सरदूल सिकंदर सर से मुझे सिकंदर मिला मिडिल नेम। योगराज सर के मेरे डैड फैन थे, उन्होंने युवराज नाम दिया मुझे, उनके बेटे जैसा नाम। तो दत्त मेरा फैमिली का सर नेम है, और मेरा नाम मतलब मुझे अब बहुत पॉपुलर लगता है। आई फील फेमस ऑलरेडी। ओके, अभी आई वाज चेकिंग अ सॉन्ग ऑन YouTube तुम्हारा, आजावे माही। बिल्कुल राइट, जो कुछ दिन पहले अपलोड किया, कितने दिन पहले? अपडेट है, 7 दिन पहले हमने ये गाना लॉन्च आउट किया YouTube पे। और ब्लिस 11 टीम है जिन्होंने हमारी बहुत मदद की इस गाने में, उन्होंने सारी मूवी शॉट की है इस गाने के लिए। प्रथम दिमान, अनन्या चौहान, गगन गिल, वरुण, ये सारे मेंबर्स इस गाने के साथ इन्वॉल्व है, और स्पेशली मेरा भाई ARB। हमने ये गाना इकट्ठे ही कंपोज किया था, और बेसिकली ये आइडिया उनका था। उन्होंने ये गाना काफ़ी पहले से आइडिया अपने माइंड में सोच के रखा होता, कुछ टूटे फूटे लिरिक्स थे, ट्यून यही थी, तो मैंने उसको पूरा फ्रेम आउट प्रॉपर तरह से करके इस गाने को फुल फ्लेज्ड नए रूप में बनाया। आजा आज गाना आप सबके सामने, और भाई गाना बार बार ले रहे हो, भाई ने बोल के भेजा, देख अगर मेरा नाम नहीं लिया ना तो देख गरम रेत में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर कनेक्टेड लाइक एनीथिंग, हमारा मतलब ही इज माय सोल, हम एक दूसरे से रियल से भी बढ़ के प्यार करते हैं। सो इट्स माय प्लेजर कि मुझे ऐसा उसके साथ गाना करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लगा। आजावे माही इज अबाउट, आजावे माही इज अबाउट अ लव रिलेशनशिप काइंड ऑफ, कि हाँ कोई बंदा किसी की याद में बैठा उसे याद कर रहा है, और शायद किसी गलती की वजह से उसका पार्टनर उसे नाराज होके जा चुका है, वो उसे बुला रहा है। सो दैट लॉन्ग, ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ अभी तक तो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मामला थोड़ा जिंदगी में क्रश वाला ज्यादा रहा है। क्रश वाला ज्यादा, सो दर्द ज्यादा रहा है। That is my only inspiration. मेरा each and every song मेरे crush की वजह से ही आ रहा है मेरी life में। तो ये कब लिखा था? ये वाला it was done recently, मतलब एक दो साल पहले। Okay. क्योंकि idea मेरे भाई ने उससे पहले का बनाया हुआ था। So पूरी team ने इस गाने में मिलजुल के बहुत ही अच्छी मतलब job की। सब ने, even video वाले guys जिन्होंने बहुत जल्दी locations ढूंढ के सब कुछ shoot किया, models। Specially thank करना चाहूँगा मैं सबका, क्योंकि उन सबका equal effort है इस गाने को उतना बढ़िया बनाने में। आजावे माही। So सुनना चाहेंगे आजा पे माही। माही मैं आपको जरूर सुना। या कोई केंदा पागल मैनू कोई आवारा, मुक चले हंजू मोड़े आजा मेरे आरा, कोल मेरे बैके रोवे तन्हाई रोज, पूछे क्यों मैं बेसारा, आजा आजा माही मेरे तो राता किंज मैं गुजारा, आजा वे माही आजा वे माही, चले हंजू मोड़े आजा मेरे आरा, आजा बे माही आजा बे माही। कोई कहता पागल, कोई कहता आवारा। नॉर्मली ऐसे घर वाले बोलते अपने, पढ़ाई शढ़ाई कर लो ऐसा। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा तो मतलब ये जर्नी शुरू कब हुई, मतलब हाउ इट स्टार्टेड? यू नो एक टाइम आता जब एक आर्टिस्ट यू नो डिस्कवर करता है, ओ मैं लिख सकता हूँ, या ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कि ये कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा है? हाँ, मुझे मतलब ये इस चीज़ का एहसास क्लास 9th में हो गया था। मैं कॉपीज के पीछे रैप लिखता था बहुत ज़्यादा। क्लास 9th में? क्लास 9th में स्टार्ट किया था मैंने ये कर। ओके, सो काफ़ी लंबी पुरानी जर्नी है एक तरह से कह लूँ मैं अगर। तो उस टाइम पे रैप लिखने का बहुत शौक था, अंडरग्राउंड रैपर्स को सुनता था। ओके, तो टीचर्स को अपना कंटेंट दिखाना, फ्रेंड्स को दिखाना, सो उससे मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बहुत कुछ मिला सीखने को लाइफ में। ओके, उसके बाद मैं चलता रहा, फिर मैं गानों की तरफ, मुझे मतलब गानों से ज्यादा मोहब्बत होने लग गई जब से क्रश वाला सीन आया मेरी। तो ये चलता रहा 9th 10th आगे, चलता रहा 9th 10th +1 +2 एंड डेट, मतलब काफी चीजों ने। मैं इसकी 10th की मार्कशीट जरूर देखना चाहूंगा यार। नंबर्स थोड़े एवरेज होते थे, पर गानों में कोशिश किया पूरा अव्वल आने की। ओके, सो अभी तुमने रैप की बात करी है, तो आई वाज जस्ट चेकिंग एक और सॉन्ग, देयर वाज द सॉन्ग वाज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, या उसमें कहीं छोटा रैप सा आया था, उसमें मैंने तुमने किया या मैंने ही रैप किया वो? एक्चुअली वो सॉन्ग भी मैंने, जब मैं 2014 में कनाडा गया था, सो मेरा फ्रेंड था युवराज छाबड़ा, उसके साथ मैंने कोलैबोरेशन करके गाना बनाया। ही वाज अ सिंगर एंड वो दिल्ली से था,
तो हमने दोनों ने हमारा इंटरेस्ट काफी मैच किया, तो हमने कहा कि लेट्स मेक अ सॉन्ग टुगेदर एंड यूट्यूब पे डालेंगे. सो ऑडियो हमने लॉन्च किया था इंस्टाग्राम, मैं उसका आपको थोड़ी सी लाइनें सुना देता हूं इंस्टाग्राम की. सो पंजाब में ये होता है, हर चीज के ऊपर गाना हमारे पास. तो दिस इज नाउ इंस्टाग्राम. ये गाना है कि लड़का एक लड़की को बता रहा है, जो लड़की काफी फैंसी और काफी शो ऑफ करती है. सो उसको वो कह रहा है कि हाँ, अगर तू इंस्टा पे ढेर सारी फोटोज अपलोड करती है तो मुझे दिल में भी अपलोड कर एक बार. दिल में भी अपलोड करो. सो हियर्स इंस्टाग्राम. ओके. हो कुड़ी पट्टिया शकिनिया दे राज राज के, ओ पर फुकरिया नित दियो मारी छड़ दे, ओ गोरे मुंडिया नु पीछे पीछे लाई रख दे, ओ नी जान दी के जट दी आ यारी अत दी, ओ सानू लौंदी आ बहाने केंदी भुल जा यारा ने, लौंदी आ बहाने केंदी भुल जा यारा ने, बलो साडियां गल्लां ते क्यों ना गौर कर दे. हाय कुड़ी इंस्टा ते करे अपलोड फोटो, जो सानू दिल च ना सोनी अपलोड कर दी. आहा, क्या बात है. सो ये गाना युवराज छाबड़ा ने गाया था और मैंने इस गाने में रैप किया था, वो आपको मैं सुनाता हूँ. या रैप. Let's go. Hey girl, the day I saw you, pehli baari, you look like a beautiful queen. So beautiful, no, I mean beautiful. I've seen nobody like you, baby. Chondi to ki, malai si gede bhi piche bateri ke zatare, baby, you won't be so mean. Tu yaar andar lete nazare, tu chuti si naare, dil mein rahega nahi free. Stop, kiche tu jedi bhi photo, photo chame nu tu kare delete. Insta di bani tu queen, ye kisi cheat la teri bajati mein bhi. I'm sorry, baby, you don't deserve to be treated like queen, cause baby, main in any free. P.S. you're faking a jealousy, won't go to heaven and now can finally breathe. Oh, kya baat hai. Yo, television pe hum sunte hai, kaha tha ki zaroor dastavez dhyan se padhe. Bahut achhe tarike se wo kar sakte yaar. But that was good, yaar. लवली, थैंक यू सो सो मच. अभी अभी तुमने बात करी, कनाडा भी तुम गए थे 2014 में. नाउ यू आर बैक फ्रॉम कनाडा, यू आर कनाडा रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी कनाडा. सो वहाँ के भी कुछ मेमोरीज हैं. एक गाना आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, कुछ कनाडा वनाडा भी गाने भी जिक्र कुछ आ रहा था कहीं. हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने एक्चुअली काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, प्लस मेन कनाडा के जो हालात थे, जो मैंने ज़िंदगी वहाँ पे 6 साल में बिताई, सो उसके ऊपर, उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हसल काफ़ी ज़्यादा है. सो आप अच्छा टाइम देखते हैं, बुरा टाइम देखते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, डिस सपोर्ट भी करते हैं, आई मीन कह लो कि डीमोटिवेट करते हैं जो भी. सो उन चीज़ों से इंस्पायर होकर मैंने गाना, एक्चुअली ये गाना मैंने कंपनी के वॉशरूम में बैठ के लिखा था. दिस सॉन्ग ये वहाँ ओरिजिनेट हुआ क्योंकि वॉशरूम के अंदर मूड थोड़ा सा ऑफ था और मुझे लगा कि हाँ, ऐसी चीजों से निकल के बाहर मुझे ये चीज हासिल करनी है. पीआर जिसे कहते हैं. ओके. तो वो गाना ओरिजिनेट वॉशरूम से हुआ था एंड वॉशरूम के अंदर गाना लिखा. एंड वो गाना मेरे दिल के लिए मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा वाला स्पेशल सॉन्ग है और आने वाले टाइम में वो फुली मैं लॉन्च करने वाला हूँ इस गाने को बहुत जल्दी. सो उसकी मैं कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करूंगा. व्हेन यू आर इन अ वॉशरूम एंड राइटिंग अ सॉन्ग, ऐसा होता है बाहर से, भाई जल्दी निकल, कितनी देर लगा भाई, बस दो लाइन रहती है. उस दिन किस्मत से बाहर वाला कंफ्यूज, दो लाइन ही रहती यार. सही बात है ना. सो ये तो दिस इज अ पीआर सॉन्ग. या दिस इज अ पीआर सॉन्ग. तो पीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा. बिल्कुल. और मुझे इंडिया में भी उतना इंपॉर्टेंट है, वी से पीआर दो पीआर लो. बिल्कुल बिल्कुल. आई रिसेंटली गॉट इट, सो उसकी मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा थी. अच्छा. देन मुझे, मैंने ये सोचा कि इस गाने को मैं जल्दी अब लॉन्च आउट करूंगा इन फ्यूचर. ओके. सो उसकी कुछ लाइंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ऑफ कोर्स, दिस इज रेड इंडीज डेब्यू, तो क्यों ना हो जाए लॉन्च से भी पहले. शुक्राना तेरा करदा बापू मेरा रब है तू, मरदे नूं सहां दे वांगू मेरा सब है तू, माए तेरे बिन कल्याण दा दिल नहीं ओ लगदा है, उठदे बैंदे रू बस कर दी तेरा सजदा है, थोड़ा सिद्धे पुत्र अज कल जिम्मेवार हो गया है. लोकी कहिंदे सी जीनूं के बसों बार हो गया है, बापू तेरा मुंडा अज पीआर हो गया है, लोकी कहिंदे सी जीनूं के बसों बार हो गया है, बापू तेरा मुंडा अज पीआर हो गया है, पीआर हो गया है, पीआर हो गया है. मुझे फ्री स्टाइल एक्चुअली करने का शौक था काफी पहले से. मैं बहुत सारे रैपर्स को सुन के फ्री स्टाइल की कोशिश करता था कि ऑन द स्पॉट, मतलब कुछ भी आपके राइम हेड में नहीं है, आप जो भी बना रहे हैं ऑन द स्पॉट बना रहे हैं,
कुछ भी आपके पास कोई बीट है भले नहीं है, और फ्री स्टाइल का मुझे शौक लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बाय टाइम बढ़ता गया। सो मैं अभी ट्राई करता हूँ एक फ्री स्टाइल करने की आरजे अनुभव के साथ, देखते हैं कैसा निकल के आता है। खतरनाक मैं मुंडा बड़ा स्मार्ट, मैं खांदा नहीं चाट, मेरे गाने टॉप ते जाणगे, बड़ी धूम मचाणगे, उस तो बाद सारे दी गल्लां होणगियां स्टार्ट। मैं लिटल बॉय चंडीगढ़ तो आया वे, मेरा कैर हर जगह देखो, आउण वाले फ्यूचर च बनना मैं स्टार, लोकी सुनो मेरी गलबात, होर की दसां मैं, मेरे कोल नहीं जवाब, नाले रैप मैं करां जदों मैनूं पता नहीं लगदा ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੀ ਐਨ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਕੈਂਪ। और अगर आप भी ऐसे अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट हैं, आपके पास अपनी कॉम्पोजिशन है, रैप करते लिखते गाते कहीं भी, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। गो टू रेड एफएम इंडिया ऐप, वहां पर जाइए, आपको सेक्शन मिल जाएगा रेड इंडीज डेब्यू, वहां पर शोकेस योर वर्क एंड रेड एफएम की टीम आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेंगी एंड यू विल बी फीचरिंग इन रेड इंडीज डेब्यू। सुपर हिट्स रेड एफएम, बजाते रहो बजाते रहो। 3.5 बजाते रहो।